बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोए, रहिमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अर्थात मनुष्य को सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी वजह से अगर बात बिगड़ जाती है तो उसे दोबारा बनाना कठिन हो जाता है। जैसे एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता। ये दोहा आज भी पूरे देश में मशहूर है, जिसके रचयिता थे अब्दुल रहीम खान खाना, जो रहीम के नाम से प्रख्यात है। मगर क्या आप जानते हैं कि उत्तर भारत के इस मशहूर कवि का एक मकबरा भी है, जो दिल्ली के ईस्ट निजामुद्दीन क्षेत्र में आज भी मौजूद है। चलिए ले चलते हैं आपको रहीम के मकबरे के दिलचस्प सफर पर, जो रहीम ने अपनी बेगम माह बानू की याद में बनवाया था और जिसको दिल्ली के ताज के खिताब से भी नवाजा गया है। अकबर के वफादार बैराम खान के बेटे रहीम का जन्म दिल्ली में सन 1556 में हुआ था। सन 1561 में बैराम की मौत के बाद अकबर ने रहीम की सरपरस्ती अपने हाथों में ली थी। आगे चलकर रहीम ने हल्दी घाटी की जंग के दौरान कुछ इलाकों को मुगलिया सल्तनत की झोली में डाल दिया था। मगर मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र अमर सिंह से हारने के बाद रहीम ने जंग के मैदान से परहेज किया और फिर सल्तनत के सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास में लग गए। रहीम ने मुगल दरबार में अपने दोहों से खूब तारीफें बटोरी, जो आज भी भारतीय साहित्य का अहम हिस्सा है। रहीम ने फारसी और संस्कृत भाषा में कई किताबों की रचना, अनुवाद और संपादन भी किया। रहीम ने आगरा, लाहौर और बुरहानपुर में कई नहरें, बागों और तालाबों का निर्माण भी करवाया। रहीम अकबर के नवरत्न दरबारियों में गिने जाने लगे थे, जिनमें बीरबल और मियां तानसेन जैसे मशहूर हस्तियां भी शामिल थी। सन 1598 में अपनी बेगम माह बानू को खोने के बाद रहीम ने उनकी याद में एक मकबरे का निर्माण शुरू किया, जिसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ। माना जाता है कि इसकी वास्तुकला हुमायूं के मकबरे से प्रेरित थी, जिसकी छाप हमें यहाँ मौजूद दरवाजों, अंदर के प्लास्टर वर्क की सजावट और इसके ऊपर विशाल सफेद बुर्ज पर दिखाई देती है। यहाँ मुख्य द्वार से आने पर ठीक सामने जहाँ मकबरे का मुख्य स्थान है, उसके नीचे रहीम के कुछ मशहूर दोहे भी पढ़ने को मिलते हैं। माना जाता है कि हुमायूं और रहीम के मकबरे का प्रभाव आगरा के ताजमहल पर दिखाई पड़ता है। तीनों को साथ देखें तो ये चौकोर इमारतें हैं जिनमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है, जिनके ऊपर एक विशाल सफेद रंग का गुंबद है और ये बागों और पानी के फव्वारों से घिरे हुए हैं। सन 1627 में इंतकाल के बाद रहीम को उनकी बेगम के साथ इसी मकबरे में दफनाया गया, ठीक वैसे ही जैसे ताजमहल में मुमताज महल की कब्र के साथ ही मुगल बादशाह शाहजहां दफन है। सन 1753 में इस मकबरे के पत्थर दिल्ली के सफदरजंग मकबरे के निर्माण में इस्तेमाल किए गए। फिर यह मकबरे कई सालों तक गुमनामी और पतन का शिकार रहा। इस मकबरे के दो बार तामीर की गई। हाल ही में दिसंबर 2020 से इस मकबरे को आम जनता के लिए खोला गया।